हमारे देश के सभी जनता शायद यही बात सोच रहे होते हो रहे होंगे कि आज हम वही बात कहेंगे जो रोजाना हम कहते हैं कि देश में कितना लुटेरा माल लूटे हैं, कितना आ रेडिंग हुआ है, कितना घटना हुआ है। ये सब बात तो हमेशा आप सुनते रहते हैं भाई जी। हम आपको कुछ पुराना बात बताएंगे। आज दिसंबर के 26 तारीख है और दिसंबर के 26 तारीख जब सूरीनाम में 25 तारीख और 26 तारीख धूमधाम से लोग क्या त्योहार को मनाते थे, ये साल कोरोना वायरस की वजह से ये धूमधाम से कोई मना नहीं पाएगा। ये मामला लखनी सूरीनाम में भाई जी, दुनिया भर में कोरोना वायरस फैल गया है, कहीं त्वीद खौलफ कहीं दर्द खौलफ। और इंसान को याद करना चाहिए कि कोरोना वायरस कोई कुछ छोड़ता नहीं। देखिए, इतनी बार लोग से कहा गया कि कोरोना वायरस एक बस मैतलक सिकते है, और देखो कल एक फिर देहांत हो गया है कोरोना वायरस से, जिक्र है इसमें। आप तो गिनते रहते हैं भाई कितना लोग की मृत्यु हुई है, कितना बीमार है, कितना इंटेंसिव केयर में है, कितना कहाँ है। ये ठीक बात है, लेकिन आपको अमल भी करना चाहिए। जो सरकार कहे कि माउंट एंड मास्क पहन करके चलना, वैसे हाथ धोते रहना अल्कोहल से, साबुन से, पानी से, और देर में इतना खड़े होकर के लोग से बातचीत करना, ये सरकार तो कानून बनाया है ना। लेकिन आप जो देखे आखिरी दिनों में कितना मनमानी चीज लोग ने किया है, जिस पे घटना हुआ है, वो जो अफुबाका व्याक के बारे में आप तो जानते हैं, एक फ्रंटल आ रेडिंग हुआ। उस फ्रंटल आ रेडिंग से अचानक और तुरंत 5 लोग का मृत्यु हुई। ब्रांतवेर को वहां आना पड़ा। ब्रांतवेर काट के उसका डख, सवारी के ऊपर के डख, लाशों को बाहर निकाला, 8 लोगों के सपूत ऐसे लोग को पहुंचाई। 2 ही रात में 2 और मृत्यु हो गई, 7 लोग के मौत हुआ इस आ रेडिंग द्वारा। बाकी लोग घायल हुआ और सिख है इसमें। ये लॉकडाउन के समय हुआ, जब लोग को मालूम है कि आप लोग को डैम पर आना नहीं चाहिए। अब आप देखो, कुछ दिन पहले 2 दिन के बाद है, मोहम्मद रशीद पीर खान रास्ता पर फिर एक गाड़ी ना, एक आदमी सफेद दारू पी करके, जिनके पास न रहे बेवैस है, और ये गाड़ी 1 बजे सवेरे इतवार को इतनी जोर से चलाया रशीद पीर खान व्यक्त में, एक पोर्ट में, और 5-6 यानी कि ईटा जो वहां पर बगल में लगाए थे उसको उखाड़ दिया, पोर्ट को उखाड़ दिया। धक्का मारने के बाद ये गाड़ी कंधाल में उलट गया, 3 लोग का मौत यहां हुआ। मैंने कल 3 का नाम बताए थे आपको ना? और ये आदमी भागते भागते पुलिस से रुक गया, वहां पर जाकर के यानी इकरार कर लिया, कबूल दिया कि वही ने गाड़ी चलाया है, और 3 लोग का मौत हो गया है, और अपने शराब पिए हैं और ऊपर से रेबीज नहीं। ये लॉकडाउन के समय सरकार ने कभी से आपको समझाता है। और कल जब हम सुनी है कि 70 लोग बस मैथ हुआ है 24 घंटे के अंदर में, भाई जी
मिनिस्टर ने, बिफोर सुशांत मिनिस्टर है, वो लोग को कहा था कि अगर ये मामला बंद नहीं होगा तो वो टोटल लॉकडाउन के करार देगा, टोटल यानी सगरों जहां जहां सब बंद हो जाएगा, क्योंकि मनमानी बहुत से लोग कर रहा देश में, सब दुकान तो बंद है, रह रहे के खुला खोलते रहते हैं, परवारी वो का बीच शहर के ज्यादा ज्यादा दुकान तुरंत बंद है, कंटोर बंद है, लोगों को घरे रहना चाहिए और ये लॉकडाउन पर ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जैसे इंसान ये बात मानने की तैयारी नहीं होता है। बहरहाल भाई जी, मैंने आपसे भी शुरुआत में कहा है कि आज हम ज्यादा बात नहीं कहेंगे कि देश में कितना डाका लोग ने डाले हैं, कितना चोरी चपाटी की है ना, कितना क्या हुआ, कितना नुकसानी हुआ, ये तो रोजाना आप सुनते हैं। सरकार ने कोशिश कर रहा है इस समस्या को, यानी इस समस्या को यानी रोकने के लिए ना, इस मामला को हल करने के लिए। हम आज कुछ बात करेंगे कि जब आप शायद जानते होंगे नील फ्रंट रखेरिंग के बारे में। नील फ्रंट रखेरिंग जब भाई जी, या फ्रंट रखेरिंग कहिए, ये रखेरिंग जब तैयार हुआ, क्योंकि फिर यहाँ PNPS KTP ये सब चुनाव को जीते थे और एक रखेरिंग बनाया। इस रखेरिंग का प्रेसिडेंट था श्री राम सेवक शंकर जी, इंजीनियर, इंजीनियर राम सेवक शंकर जी। भाई जी, ये दिसंबर महीना था, कैश त्योहार था और फौजियों लोग मिल करके रखेरिंग, जिसमें इंजीनियर राम सेवक शंकर एंड फिर से प्रेसिडेंट आरोन जो था, इस रात्रि को कैश नाक में देश में कुप हुआ और इन दोनों को उतार दिया गया। हालांकि देखा कि ताकतक में जब कुप हुआ था, एनपी का रखियरिंग जिसमें आरोन फेरी छियान पन्नालाल परमेश्वर, ये मतलब कि वो एडी होश, ये सब लोग था उस रखियरिंग में, नहीं एडी होश नहीं था, यानी सिर्फ एनपीएस पीएसपी और काटीपी था, एनपी का त्वे से ना, उसमें पीएनआर नहीं था। वहां पर भी सबके गिरफ्तार किया गया, सबके बंद किया गया। उसके बाद में लोग कहते रही फिर इसी के रखेरिंग आया। लेकिन आप तो जानते भाई जी कि जब चुनाव हुआ, खुरंत जब ठीक हुआ, राम सेवक शंकर इंजीनियर हमारा देश का प्रेसिडेंट हुआ और कैश नाक में लोग ने कुप करके राम सेवक शंकर को उतार दिया। उसके बाद में फौजियों का रखेरिंग था, फिर बाद में रखेरिंग जो आया तो जिसमें फिर निचान प्रेसिडेंट हुआ 3 मरतबा, लेकिन इतना बार नया रखेरिंग आने पर भी आज तक प्रेसिडेंट इंजीनियर राम सेवक शंकर, जिन्हें इस तरीका से उतार देना और फिर उनका पार्टी जब आया रखेरी में, भाई जी आप तो जानते हैं कि कम से कम एयर हेयर स्टाइल से बोलत है, इनका इज्जत जो झूठे लोग बदनाम किए और इन्हें उतार दिया बगैर कोई वजह से। देखिए, किसी को उतारना कोई वजह होता है, लेकिन आज तक सूरीनाम के जनताओं को कोई नहीं बताया है कि वजह किया था
इंजीनियर रामसेवक शंकर को प्रेसिडेंट की कुर्सी से उतार देना, इसका वजह बताना जरूरी था, लेकिन लोग ने नहीं बता रहा है। और आज तक भी इंजीनियर प्रेसिडेंट रामसेवक शंकर का एयर हेयर स्टाइल जैसे होना चाहिए नहीं हुआ है। सबको यही बात जानते हैं कि जब एक इंसान कुछ नहीं किया, उनको उतार करके फिर से नया रखे बनाया गया, तो सबको यही बात समझते हैं कि इंजीनियर रामसेवक शंकर को इज्जत मिलना चाहिए, उनका एयर फिर से मिलना चाहिए। आज का रखेलिंग जो है, उम्मीद है कि वो लोग इसके बारे में विचार करेगा, क्योंकि रामसेवक शंकर अपने जिंदगी में एक बार मिनिस्टर था सेफन तक के बाद। रखेलिंग मई में इंजीनियर रामसेवक शंकर मिनिस्टर था यूस्टिची एंड पॉलिटी का, और आप तो जानते हैं कि मई रखेलिंग में ही वास इन फ्रॉम द बेस्ट मिनिस्टर फॉर यूस्टिची एंड पॉलिटी इंजीनियर रामसेवक शंकर जी। उसके बाद रामसेवक शंकर मिनिस्टर हुआ एलफीएफए का, शायद आप जानते होंगे, वो फिर एलफीएफए का मिनिस्टर हुआ रखेरिंग पीएनपी एंड पीएनपी में। इंजीनियर रामसेवक शंकर मिनिस्टर पर एलफीएफए, लेकिन वो उससे पहले इस्तीफा लेकर के चला गया, और वो चला गया वाखनिंगन के एसएमएल का डायरेक्टर हुआ। यहां एलफीएफए का मिनिस्ट्री छोड़ करके वो चला गया वाखनिंगन में, वाखनिंगन एसएमएल का डायरेक्टर। फिर बाद में आपके अंदर प्रेसिडेंट रहा और उन्हें लोग उतार दिया। तो ये रामसेवक शंकर जी बहुत से काम किया भाई जी, ये बहुत से काम किया, बहुत से अच्छे अच्छे काम किया। इन्हें दिसंबर सेशन को उतार दिया गया कुर्सी से, कुप आया देश में, कैश कुप लोग कहते हैं। इस कैश कुप के वजह आज तक कोई नहीं दिया है। अभी तक लोग सोचते हैं कि ईश्वर रामसेवक शंकर कोई गलतियां किया हुआ होगा। नहीं भाइयों, हमारा स्टेक्टिंग जो स्टेक्टिंग हिंदुस्तान से मिखराज से, हम लोग का विचार यही है कि इंसान जो अच्छा काम की है, ये कलकतियन से हम लोग काम करते हैं ना, आज से कलकतियन से हम लोग उन लोगों को इज्जत अफजाई देना चाहते हैं। हम सोच रहे हैं कि सुनान तेरा खेरे इसका एयर हेस्टल करेगा इंसान के बीच में, जनता के बीच में, क्योंकि ये अपने अलग से अपने परिवार के साथ जो मिलकर के इतनी काम किया देश के अंदर में, और जब इनको उतार दिया गया तो इनके बारे में कोई जिक्र नहीं करता है। ये हमारा स्टेक्ट हिंदुस्तान से मिखराब थी, ये बात स्वीकार नहीं करता है। इसीलिए जे जे इंसान देश में मैन से दी जे फर दी सड़क है बखमाक, हमारा स्टेक्ट हिंदुस्तान से मिखराब थी, उन लोगों के बारे में इज्जत अफजाई के लिए जरूर प्रेसिडेंट से या फिर प्रेसिडेंट से या जैसे रखे बिना से साकर हम लोग उनसे गुजारिश करेंगे उन लोगों के लिए एयर हेयरस्टाइल करने के लिए या उनका मान मर्यादा करने के लिए। एंड एक का माने वो है इंजीनियर रामसेवक शंकर जी। भाई जी, आप तो जानते हैं कि हमारा देश में जब कुप हुआ तो देश श्री नाम के बागडोर हट गया था। सरकार जो बना उन दिनों में, लोग ने देखा कानून क्या कहते हैं, खुरमजोत क्या कहता है, और खुरमजोत कहता है कि जब एक देश मुसीबत में पड़ गया, कोई नहीं है, तो हफ का प्रेसिडेंट जो उस समय होगा उन्हें यह दर्जा दे दिया जाता है। एंड दैट इज सो खुबेर्च मिस्टर एल एफ रामदत मिसीर
बेश अलफ रमदा मिसीर वो हफ का कुर्सी छोड़ करके है बार इवन प्रेसिडेंट। प्यारे भाइयों, वो आदमी आकर के ये पॉलिटिक की कुर्सी संभाला। बात करते हैं प्रेसिडेंट बेस्टर एलफ रमदत मिसीर के बारे में। प्रेसिडेंट का इस देश का अपने हाथ में लिया। आप जानते हैं कि ये हॉफ में प्यारे भाइयों हॉफ में ये हॉफ का वार्ड में प्रेसिडेंट था भी और एक अच्छा रेक्टर था, नामी रेक्टर जिनके साथ मैंने कितनी सालों तक काम किए थे कांतोन में। न भाई जी, बहुत रेस्पेक्टेबल इंसान ये था। ये देश को संभाला है जिस देश में, जिस समय देश में स्टिरलोसरा रखियरिंग मिस्टर फ्रेट रामदास मिसीर, जैसे हम लोग को जानते थे मिस्टर फ्रेट, वो इस कुर्सी पर बैठ करके और सब चीज सुधारे थे। हम लोग चाहते हैं ये क्या त्यौहार है हमारा रखियरिंग मिस्टर फ्रेट रामदास मिसीर के बारे में भी सोचे, जो मुसीबत के समय हफ्फन यूस्टिसी छोड़ करके और पॉलिटिक कुर्सी पर बैठ करके देश जनता को सहायता दिया और फिर से डेमोक्रेसी सुधारने के लिए बहुत से कोशिश किया भी। हमें उसके बारे में भी बहुत विचार करना चाहिए कि वो भी इतना मुसीबत में अच्छा काम किया जिसके बारे में कोई हम लोग जिक्र नहीं करते हैं। हमारा सख्त हिंदुस्तान से भी खराब थी। हर एक इंसान जो अपने जिंदगी में काम किया है उसी कारण से हमारा सख्त जो है, हम चाहते हैं कि उनका नाम ऐसा जिक्र किया जाए ताकि कभी इंसान भूले ना। शायद आप जानते थे यो कि कुछ लोग भी अपना परिवार के लेकर के भी रखेरिंग के कुर्सी पर आए थे। आज भी उनका नाम जिक्र कोई नहीं करता है। मैं बात करने जा रहा हूं द फिस प्रेसिडेंट मिस्टर शील अधोया के, अयोध्या के बारे में। द फिस प्रेसिडेंट मिस्टर शील अयोध्या के बारे में, क्योंकि भाई जी ये फिस प्रेसिडेंट था सूरीनाम में, लेकिन मिस्टर शील अयोध्या फिस प्रेसिडेंट से पहले मिनिस्टर फॉर यूस्टिसी एंड पॉलिसी था, मिनिस्टर था यूस्टिसी एंड पॉलिसी का। शील अयोध्या प्यारे भाइयों वो फिस प्रेसिडेंट था सूरीनाम में। आज इनका नाम कहीं न जिक्र होता है। जब गांव गांव में जाते हैं तो इसको लोग शील 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 बुलाते हैं। ये गलत बात है जनता। हम चाहते हैं कि आप, हमारा सख्त हिंदुस्तान से मिक्रासी चाहता है कि जो इंसान देश के लिए काम किया परिवार को लेकर के और वो चाहे जैसे कितनी मेहनत किया देश सुधारने के लिए, डेमोक्रेसी लाने के लिए, फिस प्रेसिडेंट मिस्टर शील अयोध्या का नाम हम लोग को भी जिक्र करना चाहिए। हम आशा रखते हैं कि सूरीनाम की सरकार फिस प्रेसिडेंट शील अयोध्या के बारे में जिक्र करेगा, क्योंकि वो देश के लिए, समाज के लिए और जनता के लिए भी काम किया है। भाई जी, ऐसे करके ये दिसंबर महीना है और दिसंबर महीना 26 तारीख के जब आप सोच रहे थे कि हम बताएंगे कहां कहां लोग डाका डल ले, कहां लूट ले है, केकर मेहरारू भाग गए है, केकर ये हुआ के नहीं भाव। आज हम बताएंगे उन लोगों के बारे में जो देश के लिए कुर्बानी भी दी है, चाहे जैसे आप सोचो उनके बारे में, लेकिन
कानून कहता है कि वो इस देश का बागडोर करे हाथ में था और वो ने किया है। हम बात करने जा रहा हूं श्रीमान रामदीन सरजू के बारे में। भाई जी, रामदीन सरजू कितनी सालों तक सभापति के छांव में था, उसके बाद असेंबली फोर सीटर भी, असेंबली फोर सीटर, और कोई नहीं कह सकते हैं कि भैया रामदीन सरजू कानूनन तौर पर काम नहीं किया। वो काम जिस तरह से किया ताकि देश के इकोनॉमी, देश का समस्या हल हो गया, रामदीन सरजू असेंबली फोर सीटर। प्यारे भाई, उसके बाद में रामदीन सरजू फिर ऑफिस प्रेसिडेंट सन नाम का, रामदीन सरजू फिस प्रेसिडेंट सूरीनाम का, हमारा स्टेट हिंदुस्तान से मिखराची ऐसा ऐसा इंसान को इज्जत देता है और चाहते हैं कि आप जनता भी ये इंसानों को कदर करो, छोटे छोटे बात पर ध्यान ना रखो। दुनिया में तो राजा महाराजा लोग भी कितने गुनाह किए थे, लेकिन रामदीन सरजू असेंबली फोर सीटर, फिर फिस प्रेसिडेंट, और आप शायद नहीं जानते होंगे कि जब मैं अपने संघ साथियों के साथ मारियाबुरक में एक मोन्यूमेंट खड़ा कर रहे थे, मोन्यूमेंट स्टेक्टिंग खफाल हेल्ड मारियाबुरक, मैंने नुतारस रामोतार के पास जाकर के स्टेक्टिंग तैयार किया, मेरे साथ भाई मुंगरा भी था, और हम लोग वहां जो कॉलोनियल लीकर हमारे भारतीयों को जो गोली मार करके हत्या की, उन लोगों का नाम हम लोग वहां खराफेर किया, एक मोन्यूमेंट तैयार किया, एक प्लान बनाया, वहां सब कुछ हमने तैयार किए, और रामदीन सरजू हम लोग को इज्जत दिया था, वो अपना रखेरिंग के ले करके रामदीन सरजू फिस प्रेसिडेंट रखेरिंग टीम लेकर के आया था वहां उद्घाटन में, द मिनिस्टर्स, द असेंबली फोर सीटर। यह बहुत बड़ा बात है कि भाई रामजी सर जो अपना भारतीयों को कदर की, इज्जत की, कि अगर आज वो नहीं होता तो हम भी नहीं होते। आज वही लोग जो रुक गया था, वो 34,000 के अंदर जो सब वापस चला गया, 11,000 रुक गया, उसी में हमारा बाप माई तुम्हारा दादा दादी आज आज ही है। और भाई रामजी सरजू ये बात समझ करके, आप लोग चाहे रामदीन के बारे में जैसे सोचते होंगे, लेकिन स्टेक्टे हिंदुस्तान से मिखरा थी, भैया रामदीन सरजू को धन्यवाद देता है कि रखेरे की टीम लेकर के मारेमिरक पर पहुंचा, जहां करीबन 30,000 या 40,000 लोग दाम पर रास्ता को बंद हो गया था। ये बात हमारा स्टेक्टिंग खपाल हेल्द मारेमिरक, जब हम लोग वहां मोन्यूमेंट खड़ा किया, तो हम इनको धन्यवाद देते हैं। भैया रामदीन सरजू, खास करके हम बात करने जा रहा हूं भैया रामदीन सरजू के बारे में, और जून के 5 तारीख हम लोग उत्सव मना रहे थे बाबा माई प्लेन पर, क्योंकि बाबा माई प्लेन बहुत लड़ते 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 के मरतबा चिट्ठी मैंने लिखा, यहां वहां वहां वहां, फिर निशान से बातचीत की, बेगम से बातचीत, कितना तब जाकर के मानिस तो हम लोग को प्लेन के दर्जा दे दिया, एक बस ये हमें दिया कि भाई जी तुम्हारा मांग पूरी है आज से है। लेकिन इस प्लेन के उद्घाटन के लिए बहुत खुशी के बात हम आपसे कहेंगे, आज जब वो प्लेन का उद्घाटन हम लोग करने लगे तो बैठ के हम सोच रहे थे बस्तीर के साथ, तो मुझे पता था कि वहां पर न्यू फ्रंट पीएपी एनपी का नहीं, न्यू फ्रंट एनपीएस पीएपी लोग का प्रोग्राम, वहां हम जाकर के टेंटी खड़ा करके अपने दोस्तों के साथ मैंने इंतजार किया प्रेसिडेंट फिनिशान को, ऑफिस प्रेसिडेंट रामजी सरजू को। भाई आप तो जानते, हम बोर्ड तैयार किए थे, बाबा माई प्लेन,
यानी वहां लिखा सब कुछ तो आप जानते हो। तो प्रेसिडेंट पहुंचा, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, तो मैंने दोनों से चिरौरी की, लेकिन प्रेसिडेंट पहले कहा मेरे इशाक प्रोटोकॉल यार स्नेक होते। हम बोले प्रेसिडेंट आप भी देश का नागरिक हो, भैया रामजी सर जो यहां देश के नागरिक हो, देखो दो लंकी हुआ बाही ना, एक लंकर कांत एक रखकर कांत, हम आप दोनों से गुजारिश करीला। तो फिर निशान हंस के लौट के गया रामजी सर जू के लेकर के, और ये प्लेन को उद्घाटन की, देश का प्रेसिडेंट एंड देश का वाइस प्रेसिडेंट, इतना बड़ा इज्जत आप जो ये लोग हम लोग को देते जा रहा है। तो क्या सोचते हिंदुस्तान से मिखराची भाई रामजी सर जू के बारे में, फिर निशान के बारे में, क्या हम लोग कुछ ही न कर सकते हैं? हम सोच रहे कि इन लोगों का इज्जत कोई तरीका से ये सरकार को देना चाहिए। एक मामला जो अभी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, ये एक अलग के मामला नहीं है, ये हम लोग के अंदर के मामला है। तो हम बात करने जा रहा हूं असेंबली फोर्सेटर मरई के ज्वाला प्रसाद के बारे में। देखिए मरई के ज्वाला प्रसाद अपने ढंग से अपने विचार से जो भी काम किया है, जैसे काम भी किया है, लेकिन हम लोग के गांव के है, और वो क्या है, वो भी चाहती थी कि देश में परिवर्तन आए, वो भी चाहती थी देश का इकोनॉमी ठीक हो, वो भी चाहती थी कि हमारा देश का ये डेमोक्रेसी भी ठीक हो जाए। इनका फोटो वहां नेशनल असेंबली में टंगा है, लेकिन हमारा देश के जनता को चाहिए कि जो जो काम कुछ अच्छे काम भी की है, इसमें हम लोग फैसला नहीं ले सकते हैं, इसमें प्रभु अपना फैसला सुनाता है हमेशा। हम लोग को चाहिए हमारा स्टेक्टे हिंदुस्तान से मिखराची भी श्रीमती मरई के ज्वाला प्रसाद जो असेंबली कुर्सी बैठ करके बागडोर अपने हाथ में ले करके और बहुत दूर तक गई है, इन्हें भी हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं। भाई जी मुबारकबाद भी देते हैं, शुक्रिया करते हैं। जैसे जैसे आप जानते भाई जी, जहां तक हो सके हम लोग को मिल करके हमारा देश में जितने लोग बड़े कुर्सी बैठ करके और अच्छा काम किए हैं, जैसे मिनिस्टर्स वगैरह जो अच्छे काम किया होगा, जिनकी मृत्यु के बाद में उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए मिट जाता है, क्या आप नहीं जानते कि मिस्टर डॉक्टर डॉक्टर रामदास यनधीन जी पुलिसी हैंडफेस्ट तैयार किया, सब कुछ किया, और सभापति का रेक्टर हम था, शायद आप नहीं जानते हैं, वो तो दुनिया से चला गया, एक छोटा रास्ता यहां उपोबार वर्क करके लगे, उनका नाम है जो कोई मतलब नहीं देता है। हम लोग दस्तखते हिंदुस्तान से मिखराची, हम लोग चाहते हैं कि उसके बारे में सरकार गुफ्तगु करे कि मैं से डॉक्टर या नदीन इज्जत एक अच्छा रस्त, एक अच्छा जगह उनको मिले जहां पर हम लोग उनको इज्जत दे सके। हमारा दस्तखते हिंदुस्तान से मिखराची का यही काम है। भाई जी हमें एक शर्म लग रहा है एक बात से, ये शर्म जरूर लग रहा है, क्योंकि जब पता चला कि हमारा स्टेक्टिंग ने उनके बारे में और कुछ सोचा था, हम बात करने जा रहा हूं प्रोफेसर फ्रिट्ज मित्रा सिंह के बारे में। प्रोफेसर फ्रिट्ज मित्रा सिंह वो भी मिनिस्टर था ऑन द रेस में, यूनिवर्सिटी वहां देकान और बड़े बड़े जगह पर वो था, यूनिवर्सिटी में खोरमपेट के कारोबार में था, और एक अच्छा इंसान भी था, हम लोग से बहुत माफ कर था भाई मित्रा सिंह फ्रिट्ज। भाई जी हम लोग ने सोचा कि वो परमारी वो के आदमी है, उनके बारे में जिक्र किया जाए और एक ऐसा जगह उनके नाम पर जिक्र किया जाए, लेकिन मुझे इतना दुख हुआ इस बात देख करके कि दुई केटी का एक रास्ता जंगल में जो आ रहा है, दुई कैटिंग के एक रास्ता, यह है काबल रास्ता के नाम तिलकधारी व्याख,
वहां हंसू में एकदम वहां तिलक धारी व्या एगो मट्टी के रास्ता है, एक मट्टी के रास्ता है क्लाई व्या ट्वेई कैटिंग के दुई केटी के रास्ता, वहां एक बोट लगा है प्रोफेसर फ्रिट्ज मित्रा सिंह व्या डेट। हम लोग इस पर सहमत नहीं है, हम लोग ये बारे में मिनिस्टर से बात करेंगे। डेट इस बल्ले जखेंग नार अन प्रोफेसर जो अपने जिंदगी में डेकान के मिनिस्टर था होम प्लग कमेसी में लगता ये सो इट्स निर्दू मान मुझे सफा बिनलान से साक हम भी शिकायत हम नकल ली है सौ मतलब कौर खरी बखे ना वो मिनिस्टर के ऊपर ऐसा बल्ले ही देखें स्टेट के हिंदुस्तान से भी खिलासी अक्सपेयर देखने एक इतना विद्वान इंसान दुई के की चाहता के रास्ता जहां चाहे कोई रहे या ना रहे दास्ता तम बोर्च मिस्टर प्रोफेसर फ्रित मित्रा सिंह व्या वट है मित्रा सिंह दात सुकन वो देकान के आदमी था मिनिस्टर था हम लोग के संघ साथी था 20 साल उठत बैठक रहे पार्लियामेंट में और इस आदमी का नाम वह है वहां पर भैया एकदम से तिलकधारी व्यक्त में एक चाहता के रास्ता दुई केती में है एक को रास्ता घर है कि घर भी न है न जाने की कोई जा है गोत कि नहीं उस रास्ता के नाम प्रोफेसर मित्रा सिंह रखा गया है। हम लोग प्रोटेस्ट करिए हम लोग चाहते हैं स्टेट हिंदुस्तान से मिथिला से ये बात से सहमत नहीं है और हम लोग चाहते कि रखेरें ये सब चीज हस्टल करें कॉरिशेयर करें और डिस्ट्राक्ट का नोट ही तो प्रोफेसर मित्रा सिंह एक जंगल में जहां दुई केती से कम है और वहां चाहता है और वहां पर कोई रहे या ना रहे वहां पर ये नाम धर दे ले। और बीच परमाणु देखो जिन लोगों का नाम लोग रख देते हैं छट 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 से हम लोग उस पर शिकायत नहीं की है लेकिन हम लोग के आदमी जो विद्वान विद्वान आदमी हैं इस तरीका से नहीं जो स्टेट हिंदुस्तान से भी खिलासी मुजर और खानी साक्षी जब वो सरकार से कुछ मांग करता है दमुद्र खेरें ओप ओर है रखेरें मुतनत नहीं प्रात बतने बस्ती क्योंकि हम लोग कोई मतलब से नहीं हम लोग इज्जत देने के लिए ये सब चीज कर रहे हैं। भाई जी मैं आज बहुत तरह की बात बोलने वाला था लेकिन हमारा स्टेक्टिंग ऐसे ऐसे करके बहुत से काम करने वाला है वो आने वाले दिनों में अगले साल जो 3% ट्रेजर्स था हमारा देश में कलकत्तियन के साथ वो भी आए थे। हम बात करने जा रहा हूं रामजानी मथुरा और झुंपा राजगुरु ये तीन बहुत से मेहनत की हमारे मजदूरों को सहायता दिया ये लोग ने मार भी खाए मथुरा को मार के फेंक भी दे गए कई मतबा रामजानी के आसपास में गोली चला 5-5 लोग मर मर के गिर पड़ा या कितने लोग एक औरत भी उसका मौत हुआ रामजानी की सहायता जो दे रही थी लोग तितरी बोले थे ना हा? वो सब लोग हम लोग क्या उनको भूल सकते हैं द स्टेटिंग हिंदुस्तान से भी खराब थी उसके बारे में जिक्र कर रहा है और हम लोग बहुत जल्द ये मामला जनता के सामने पेश करेंगे कि हमारा स्टेटिंग क्या फैसला लिया है। प्यारे भाइयों मैंने अभी शुरुआत में कहा है ये मामला तो हम फिर बोलते रहेंगे आज कुछ समय इतना लेकर के मैंने बातचीत किए हैं मैंने कहा भी कि एक आदमी का मौत और हो चुका है और नेखन तीन कॉफी दूध इन सूरीनाम और ये हम लोग के बहुत दुख की बात है ये इंटेंसिव केयर में था और इनका मृत्यु हो गई है शेफ प्रसून जैन आप फिर पॉजिटिव टेस्ट कोविड 19 और वो मैंने आपसे बताए थे फिर देर तक परमाणु का है दी एम ट्वेंटक वानिका और दी हॉन एन ट्वेंटक टेस्ट खदान
Twee 49 mensen die getest zijn, blijken negatief te zijn. Opvallend is ook dat in Nikeri 5 personen positief zijn gestest. Hoe mila? Toen hamlog jenta koi tlakker te hen. Aplo jese hoi sake toktani. Aplo hoosia hije. प्यारे भाइयों और हम लोग का बात यही है कि एक आदमी शुक्रवार के रात्रि को उनका मृत्यु हो गई है, ये लड़ाई करते हुए छुरी भोग दिया गया उन्हें और ये 11 बजे ये रात को ये छुरी भोगा हुआ है, यानी खैर गैर पेशी स्त्रात 40 बेरफ दादर इस आंखों हो रही पुलिस थी और इस वक्त जेल में डाल दिया गया है। इस आदमी को एक लड़ाई हुआ और इस आदमी को छुरी भोग करके उन्हें हत्या कर दिया गया है। भैया शाल की यह बात है। जंदाचो असेंबली कॉम्पमांड दाख इन है सऊद लोग के फरखादरिंग एंड देश दाख इन है उपमार में इन द बहांडलिंग फॉर वेट एंड लोन बलास्टिंग इनकम से बलास्टिंग एंड वेट ऑमसेट बलास्टिंग स्टार्ट ऑफ द एजेंडा। बहुत असेंबली रीजन zijn de mening toegedaan dat liever niet vergaderd zou moeten worden in deze periode waar het besmettingsgevaar van COVID-19 is toegenomen. Dus ik ook kijken, Marinus B. is je prijsla gele jata hai, ja chod deta hai. Dus je baat bhi aapke pungchana tha, bhai ji. Hem aap loog ko aur kitnye baat bolna chaatee thay, bhai ji. Lekin aap toh jante hai ki hem loog bhi jante hai ki ये बीमारी जो देश में फैला है, हम लोग सब कोई मिल करके एकताई के रूप में ये बीमारी को हम लोग को हल करना चाहिए। अगर हम लोग के अंदर में एकताई नहीं होगा तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। भाई जी 5 गो हिजरा जो औरत के कपड़ा पहन करके सब नकली चीज लगा लगा करके ऊपर में नीचे में, तो ये 5 गो यानि कि आपके ऊपर नख्त यानि ये दाम पे थे, समझे ना काका? ऐसे बोले हैं कि 5 ट्रफेस्टिटन ओवर खबराख नार पुलिची अकादेमी है। तो ये लोगन लंगहा वहां पहन करके मेहरारू बन करके और वही काम करते हैं जिसका वजह आज ये कोरोना वायरस है। ये सब गलत काम करने वालों के नतीजा यही है, यही नतीजा का कि यही गलत है। जब ये लम्हा पाइन करके न जाने कौन सी दिखाने के लिए जाता, किसको दिखाने के लिए जाता है, है? इनको पकड़ पकड़ करके ले जा करके बंद की है। आपके ऊपर नख्त hebben niet minder dan 141 personen de nacht toegebracht op de politieacademie. Dekje, minister jo Ramadhin hai, wo kaha tha ki agar aap log sarkar ke kanoon ko thukraega to wo shayad lockdown total lockdown kar dega. 141 log rahe dam par jinhe giraftar karke sarkar le gaya hai, usme 5 go hijra bhi। भला बताइए वो कपड़ा पहन करके औरतें के न जाने कैसे कौन सी ऊपर ऊपर रखे न मौसी तुझारत है ये न और का के नीचे का का करे थे उसके एयरफारिंग है, बस लिपसी कपसी लगा करके फुस फुस करत है, लेकिन वो औरत नहीं मर्द है बप्पा। ये हिजरा लोग ऐसे ऐसे बहुत तरह के बात है मौसी, हम बोली तो का बोली। आज दुनिया में ये जो तूफान मचा है न जाने कि यही सब गलत काम से हुआ है या छिनवा लोग जानबूझ करके छोड़ दिया, लेकिन जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। तो ये लोग को गिरफ्तार किया गया है हजरत ए नफेर तक, उसमें 5 हिजरा है। भाई जी एक बहुत गड़बड़ खबर हम देने जा रहा हूं। हम तो सोचे भी कैंप में हम आपको ये तकलीफ नहीं देते बाप। एक 41 साल का नौजवान दिनेश चित्तन, 41 साल का नौजवान दिनेश चित्तन का हत्या कर दिया गया है। आपको ऊपर नाक्ट एक नफे तक दिनेश चित्तन
Het leven gelaten bij een steekpartij op de hoek van Cel de Riestraat en Gerpensiestraat te Charlesburg. Pierre Bayon, wie onderzoek wagen, de verdachte Regilio E, 40 jaar. Pierre Janta, je आदमी गिरफ्तार हुआ है. हम लोग इस परिवार को शोक संवेदना प्रस्तुत करते हैं. हम आप लोगों से अभी इजाजत चाहेंगे ना, लेकिन कोखल फॉक एंड स्लाब कामर फन 68 यार गोली भैया एक काकी का हो तेरे देश में 68 यार फ्रॉ चौका बेचारी एक तो उम्र उनका ज्यादा हो गई से और उनके आसपास में गोलियां गिर रहा है बंदूक के प्रैक्टिव लोग कहते हैं इन हर स्लाब कामर बेचारी कूद उद करके भगा. वो सोचे भैया भूत आएगी क्या आए है. और देखिए भाई बेचारी बच गए. ऐसा गोली अगर आपके शरीर पर आते भाई तो गहरे खत्म हो गए थे. अच्छा हम आप लोग के अब तकलीफ नहीं देंगे. हम आपसे इजाजत चाहेंगे. आपका अनौसर भैया कालीचरण भी आ गया है ना. और हो पुलिस ब्यूरो निकेरी खसलोटन ना कोरोना बस मैटिंग अखेंटन वर्कन फना पार्केट प्लाट दादा रे दादा हो पुलिस ब्यूरो निकेरी खसलोटन काकी वहां कोरोना वायरस मिला है. पार्केट प्लाट से सिपाही वहां काम कर रहा है. हम आपसे कहते थे भाई ये कोरोना वायरस जो लोग खिलवाड़ करते थे ये कोई खिलवाड़ की बात नहीं है. सब लोग अपने अपने लंग से ऐलान करता है होशियार हो जाओ लेकिन जैसे लोग के कान में घुसता बाद एक वो कान से निकल जाता. सरकार इतना पैसा लगाता बाप कि ये मामला हल हो जाए. मैं आप लोग से इजाजत लूंगा भैया जी. आप लोग रात मिलात करके और जितना लोग जानते कि वायरस वाला कौन आदमी है बेवकूफी के अंदर तार करके बता देना चाहिए वरना सब कोई मरेगा. मताइल आपसे ये बहुत गड़बड़ बात है भाई जी. मुझे इजाजत दीजिए भाई जी. मुझे बहुत तरह के बात कहना था लेकिन अफसोस कि हम आपको बता नहीं पाएंगे. मैं आपसे इजाजत चाहूँगा. आप अपने परिवार के साथ खुश रहियो. आप अपने देश अपने समाज अपने जनता को सेवा करो. सरकार के लिए भी दुआ करो प्रार्थना करो ताकि हमारा देश में ये बीमारी हल हो जाए और ये खून खराबा बंद किया जाए देश के अंदर में. मुझे इजाजत दीजिए. आप अपने आप पर ख्याल रखना. याद किया जाता है स्वर्गीय प्रकाश अरुण कुमार विक्रम को. नई दलंत ईद के रहने वाले थे. जन्म पाए थे फ़रवरी की 11 तारीख 1966 में. दिसंबर के 27 तारीख साल 2019 में मृत्यु हुए. आज इतवार दिसंबर के 27 तारीख एक साल हो रहे हैं मृत्यु हुए. रिन स्टैनली मोना कार्ला सुशील गीता नीरज सुरेंद्र रोहित और राकेश विक्रम अपने भाई लक्का कृष्णा मेफिस शर्मिला सीला रेशमा अनुष्का अपने बड़कू और देवर भागवत चन्नई अपना सार सभी लड़के दादा काका मामा और नाना रेशमा बांसी अपने पति शरण अपने पिता को आज याद कर रहे हैं. जब याद के बदली छाते हैं तो आ हमारे भर आते हैं.